गुड मॉर्निंग। और ये है थामेल, ब्यूटीफुल हैपनिंग प्लेस फॉर टूरिस्ट, ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ, सारे फॉरेनर्स सारे सब कुछ यहीं पर थामेल में मोस्टली रुकते हैं। तो बेस्ट पार्ट है नेपाल अगर आप आ रहे हो तो थामेल में चीप एंड बेस्ट ऑप्शन ले लो, रुक जाओ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7, थोड़ा चाय वगैरह पी लिया मैंने, अब मैं निकलता हूँ। जैसा जैसे मैंने आपको मेरे पुराने ब्लॉग में बताया था कि मैंने ब्लॉग जो एंड है मैंने अगले दिन किया, रिकॉर्डिंग किया। सो ये है दूसरे दिन बेसिकली यू कैन से। और पतन दरबार, बोटेनिकल गार्डन अगर हुआ तो, और काठमांडू स्क्वायर दरबार दैट नेम एंड अदर प्लेसेस, बख्तारपुर भी बहुत अच्छा है। ये सारे ओल्ड हेरिटेज प्लेसेस हैं, ब्यूटीफुल प्लेसेस है। मंकी टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं यहाँ पे, ये एक्सप्लोर करना है। एक दो दिन काठमांडू एक्सप्लोर करके पोखरा निकलना है। तो लेट्स गो एक्सप्लोर काठमांडू गाइस। कुछ लोकल फूड्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट में बहुत भूख लगी है, बाइक लूँगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, वन वे वगैरह रूल्स रेगुलेशंस बहुत हैं यहाँ पर, और ट्रैफिक भी मिल सकती है। तो इसीलिए यहाँ से जो पतन दरबार, सॉरी दरबार स्क्वायर काठमांडू ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर के आसपास में, तो बाइक लेके जाऊँगा क्योंकि वहाँ से फिर मैं बाकी लोकेशंस कवर करूँगा। तो ज़्यादा कुछ लिया नहीं मैंने, कैमरा ले लिया है एंड बस कैमरा, हेलमेट, नथिंग गाइस, नो लगेजेस, कुछ नहीं लेके जाना है। ट्राइपॉड नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि दिन के टाइम में ट्राइपॉड की रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं, एक्सपोजर सही रहेगा, लो लाइट है नहीं। तो लेट्स गो एक्सप्लोर काठमांडू और एरिया। तो ये है गाइस थामेल की गलियां, और मैं निकल चुका हूँ पाते काठमांडू दरबार के लिए। मैप में तो ज़्यादा टाइम दिखा नहीं रहा है, 5 मिनट ही दिखा रहा है, आई थिंक आसपास में ही है, यहाँ से लेफ्ट बता रहा है। काफ़ी कंजेस्टेड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ऐसा ही है ये एरिया, एंड एक हेरिटेज काइंड ऑफ स्मॉल ओल्ड प्लेसेस है, ठीक है। तो यप, गुड लोकेशन। गूगल मैप में मेरे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे ब्राउज़र से मैप यूज़ करना पड़ रहा है, मुझे लगता है लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा मुझे गूगल मैप में नेपाल का, आई डोंट नो। तो ये मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है इधर, तो इसीलिए ब्राउज़र से मैप यूज़ करना पड़ रहा है। अगर आपको भी प्रॉब्लम हुआ तो आप ब्राउज़र से मैप यूज़ कर सकते हैं। तो ब्राउज़र से मैप इन द सेंस आप अपने एक पर्टिकुलर लैंडमार्क पर पुट करें, उसके बाद आप जहाँ आपको जाना है वहाँ का आप लोकेशन दे दें। आप देख रहे हो काफ़ी रश है अभी क्योंकि ये ट्रैकिंग का भी सीज़न है, यहाँ अभी ट्रैकिंग का सीज़न खुल चुका है तो बहुत ही ज़्यादा रश है अभी यहाँ पे। आप देख सकते हो फॉरेन टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हुए हैं। होटल रूम्स भी मैंने सोचा था कि अगर मुझे क्या पता अगल बगल में कुछ चीप एंड बेस्ट ऑप्शन में मिल जाए, तो मैंने ये ट्राई किया था, बट सब पैक्ड है एंड क्योंकि फॉरेनर्स भी बहुत अभी आए हुए हैं। तो लेट्स पातन दरबार, सॉरी काठमांडू दरबार। आई थिंक मैप गलत दिखा रहा है क्या यार, इतना पास तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे तो ऐसा गलियां ही दिख रही है, ऐसे दरबार जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है। काठमांडू दरबार स्क्वायर थामेल के करीब है और एक काफी पुराना हेरिटेज प्लेस है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था 1979 में। काठमांडू दरबार स्क्वायर में पहले मल्ला और शाह किंग्स की ताशपोशी हुआ करती थी, जो यहाँ से पूरे नेपाल पे रूल किया करते थे। जी हाँ, काठमांडू से पूरे रूल किया करते थे। लेकिन 2015 के बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक में इसका एक हिस्सा गिर गया था, तहस नहस हो गया, लेकिन काफी कुछ अभी हिस्सा बचा हुआ है जो कि देखने लायक है, जैसे कि कुमारी टेम्पल और पुराने ऐतिहासिक टेम्पल्स जो बौद्धिस्ट और हिंदूज के मिक्सचर को दर्शाता है। ये आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ बड़े फेस्टिवल्स और सेरेमनीज सेलिब्रेट किए जाते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी फेस्टिवल के टाइम पे आएंगे तो आपको यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स देखने मिलेगा, जो कि काठमांडू और नेपाल के इतिहास और जो कल्चर को दिखाता है। तो गाइस काठमांडू दरबार स्क्वायर के बाद मैं निकल चुका हूँ पतन दरबार, जो कि यहाँ से दिखा रहा है 18 मिनट का रास्ता, 5 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से मुझे जाने का मन करेगा तो मैं जाऊँगा बोटनिकल गार्डन, जो कि 45 मिनट का रास्ता है, दैट इज़ फार, बट इट्स ओके। बहुत मज़ा आया गाइस ये पतन काठमांडू स्क्वायर में, सॉरी
एक हिस्टोरिकल हेरिटेज है ये काठमांडू। काठमांडू इज़ बेसिकली हिस्टोरिकल हेरिटेज, बहुत ही ब्यूटीफुल हिली रीजन, हिस्टोरिकल हेरिटेज। और एक आप वो बेसिकली एक स्टॉप पॉइंट है, अगर आपको कहीं भी जाना है तो काठमांडू पोखरा ही सब स्टॉप पॉइंट है। काठमांडू इसीलिए क्योंकि यहाँ से सारे आपको ट्रैकिंग्स परमिट्स के अवेलेबिलिटी होती है, सारे फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, गाइड्स, ट्रैकिंग रूट सब चीज़। उसके बाद मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊँ ताकि मैं अपने लिए राइडिंग ग्लव्स ले लूँ, राइडिंग ग्लव्स जो मैं मुस्तांग के लिए लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ठंड है। मेरी राइडिंग ग्लव्स से गाइस काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई, तो यहाँ से दिखा रहा है राइट, काफ़ी ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, अभी बज रहे हैं 12। ट्राई करूँगा 1:30 बजे तक फ्री हो जाऊँ, उसके बाद बोटानिकल गार्डन कवर करके जल्दी से जल्दी शॉप बंद होने से पहले मैं आ जाऊँ राइडिंग ग्लव्स लेने। अगर आज नहीं मिला तो कल डेफिनेटली मैं राइडिंग ग्लव्स ले लूँगा, कल भी इसी काठमांडू में ही हूँ। सो लेट्स गो टू पतन दरबार। तो गाइस ये है पतन दरबार स्क्वायर, तो वो पतन दरबार स्क्वायर आ चुके हैं। अभी मुझे खोजना है पार्किंग, वेयर टू पार्क दी गाड़ी। अभी देखिए पुलिस ने फाइन काट दिया, अभी पार्किंग खोजते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। तो पार्किंग की जगह कहाँ है पूछना पड़ेगा। हजूर सर, पार्किंग कहाँ करूँ बच्चा? पार्किंग और आगे आ गाड़ी से हूँ जा। थैंक यू। तो गाइस आगे पार्किंग है, गाड़ी पार्क कर लेते हैं। भाई फाइन नहीं कटवाना है, इंटरनेशनल फाइन नहीं कटवाना है। अभी उसने फाइन काट दिया, उसने गाड़ी फटा के पार्क करके खड़ा था वो लड़का। तो यहाँ पार्किंग मिल गया। वो ब्यूटीफुल अच्छी पार्किंग, 20 रुपये तो कम से कम 40 रुपये तो लगेगा यार। उतरचा गाइस ये है पार्किंग। अब चलो आपको दिखाते हैं पतन दरबार। हुन जा ला। पतन दरबार स्क्वायर नेपाल के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट पे है। ये जगह काफी ज्यादा फेमस है हेरिटेज, मॉन्यूमेंट्स, आर्ट, कल्चर और टेंपल्स के लिए। आप कह सकते हैं नेपाल का काफी ज्यादा इतिहास यहाँ पर बसता है। अगर आप आओ तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा इतिहास देखने को मिलेगा। पटन दरबार का काफ़ी हिस्सा मल्ला राजाओं ने बनवाया था, जो कि यहाँ के क्षत्रिय और वॉरियर हुआ करते थे, यहाँ के रूलर थे। लेकिन काफ़ी हिस्सा लोगों का कहना है कि उससे पहले भी हुआ करता था, उससे पहले भी कंस्ट्रक्ट यहाँ पर किया गया था। आज भी पटन दरबार एक ब्यूटीफुल हेरिटेज लोकेशन है। आप कोशिश करें मॉर्निंग या इवनिंग में आए तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर सनसेट सनराइज देखने को मिलेगा। और यहाँ के जो कबूतरे हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको बहुत अच्छे फोटोज़ देखने को, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, पीसफुल आपको यहाँ देखने मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल पतन दरबार गाइस, और बहुत ही अमेजिंग शॉट्स आए हैं। आपने देखा जो कबूतरों के जो शॉट्स आए मुझे मिल गया, फ़ोटोज़ भी मिल गए थे, तो इंस्टाग्राम में आप देख सकते हो। तो इसके बाद अब मैं जा रहा हूँ गोदावरी, जो कि बोटानिकल गार्डन है। यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है गाइस, तो अभी 1:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 4 बजे वहाँ से निकलूँगा, फिर शॉप खोजूँगा और ग्लव्स ले लूँगा अगर आज ही तो अच्छा रहेगा। उसके बाद या फिर अगर और भी कुछ अगर लोकेशंस है तो देखते हैं। मेरे फ्रेंड्स ने बताया है लोकल कि आप सुबह सुबह उठ के मंकी टेम्पल या शंभूनाथ समथिंग इज़ देयर, जहाँ से अच्छा वैली व्यू आता है। तो डेफिनेटली वो कल का प्लान रखेंगे, और मैंने होटल भी एक्सटेंड कर लिया है, तो मुझे होटल में लग रहा है गाइज अभी फ़िलहाल 4500 NPR, दैट इज़ अराउंड 3000 INR, तो नॉट बैड। थमेल के लिए इतना तो यार एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत जगह इतना राइड किया है, तो 700-800 रुपये तो यार नॉर्मल होटल्स के मैंने दिया, और INR में दिया है गाइज INR में। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छा
अच्छे लोकेशन पे है और अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो इसमें मैं 1000 रुपीज़ देने का बनता है यार, इस काठमांडू सिटी है, इट्स फाइन। तो अभी GPS ऑन करके लेट्स सी कहाँ पे है मेरा वो बोटानिकल का रास्ता। तो आई एम गोइंग टू ऑन माई GPS गाइस, तो लेट्स गो। पहले पार्क करो, GPS ऑन करो। ये सारी है नेपाल की ऐतिहासिक गलियां, ऐसा लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल। देख रहा वैली दिख रहा है, ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं, तो काठमांडू मेरे हिसाब से एक वैली ही है। जैसे कश्मीर होता है ना, एक वैली के बीच में एक सिटी बसा हुआ है, वैसे ही काठमांडू मुझे लगता है। चारों तरफ पहाड़, बीच में एक ब्यूटीफुल सिटी, अमेजिंग गाइस। नेटवर्क भी आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मैप देख के जा पा रहा हूँ। तो और ज़्यादा दूर तो नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है। सो गोदावरी बेसिकली एक बोटानिकल गार्डन है जहाँ की मैं जा रहा हूँ, और वहाँ पर लोग, मैंने जिससे भी पूछा उन्होंने बोला कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, सिटी के थोड़ा बाहर है, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग जाता है, और पहाड़ों के बीच में एक गार्डन है, ब्यूटीफुल मैनमेड है आई बिलीव। सो लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक आगे है गाइस, हम आ चुके हैं, बाइक जाने का रास्ता है कि नहीं है देख लेते हैं। सो ये बोटानिकल गार्डन, तो थोड़ी देर की राइड के बाद मैं आ चुका हूँ गोदावरी बोटेनिकल गार्डन, जहाँ आपको टिकट लेना पड़ेगा और हाँ कैमरे के भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे गाइज, एंट्री फी देनी पड़ेगी। गोदावरी बोटेनिकल गार्डन एक ग्रीन और फ्लावर से भरा हुआ वैली है, और आप कह सकते हो कि मैनमेड काइंड ऑफ गार्डन है, जिसे नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी कहते हैं। ये फुल चौकी पीक के फुटहिल में है, आई थिंक नाम फुल चौकी है, मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, जिसकी हाइट 2760 मीटर है। यहाँ कभी कभी विंटर में आपको स्नोफॉल देखने मिलेगा, और फुल चौकी का मतलब होता है माउंटेन ऑफ फ्लावर्स। ये जगह उन लोगों के लिए है जो काठमांडू आके थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट देखना चाहते हैं, काठमांडू की ब्यूटीफुल वैली में फ्लावर्स देखना चाहते हैं, ग्रीन वैली देखना चाहते हैं। बेस्ट पार्ट इज इस पर्टिकुलर गार्डन के यहाँ के फ्लावर्स, काफ़ी तरह तरह के फ्लावर्स आपको देखने मिलेंगे। कुछ प्रोटेक्टेड है जहाँ आपको एंट्री नहीं दी जाती है ताकि वो सेफ रहे, लेकिन बहुत सारे फ्लावर्स को आप देख सकते हो। और यप, ये बेस्ट प्लेस है फैमिली ट्रिप के लिए। तो अगले दिन और इस काठमांडू व्लॉग को एंड करने के लिए मैं आ गया हूँ शंभुनाथ स्तूपा और टेंपल, जो काफी पुराना एक होली श्राइन है काठमांडू वैली में, जिसे मंगिन टेंपल भी कहते हैं, और आपको करीब 365 स्टेयर्स चढ़ने पड़ेंगे। यप, इस हिल्स पे 365 स्टेयर्स चढ़ने पड़ेंगे, और एंट्री करते आपको दिखेगा वज्र। कहा जाता है स्तूपा एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम 5th century AD से है, और यहाँ एक लोटस प्लांट किया गया था उस टाइम के बुद्धा के द्वारा, जो कि पूरे काठमांडू वैली में खिल गया था, जिसके बाद इस जगह का नाम स्वयंभू मीन्स सेल्फ क्रिएटेड और सेल्फ एग्जिस्टेंस पर पड़ा रखा गया। उसके बाद से काफ़ी मॉन्क्स और डिवोटीज यहाँ आने लगे दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए और एक अपने पीस पाने के लिए। और गाइस, यहां से आपको देखने मिलेगा काठमांडू वैली का पैनोरामा व्यू। शंभुनाथ पे पूजा करने आते हैं हिंदू और बुद्धिस्ट, अगर आपको शांति चाहिए तो जरूर आइए यहाँ। मॉर्निंग टाइम अगर आओगे तो आपको देखने मिलेगा ब्यूटीफुल सनराइज पूरे काठमांडू वैली में आता हुआ। तो ये है शंभुनाथ और मेरा इस ब्लॉग का एंड। तो इसके बाद मैं जाऊँगा गाइस पोखरा और मुस्तांग सीरीज, मुस्तांग मेरा स्टार्ट होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं गाइस काठमांडू से पोखरा की राइड के लिए, उसके बाद मुस्तांग।